वूट किड्स को एंडोर्स कर रही हैं सोहा अली खान, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। सोहा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इनाया 2.5 साल की हो चुकी है, नॉट येट, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ 2 साल की ऑलमोस्ट हो चुकी है, 2 साल की हो चुकी है, 2.5 साल की हो चुकी हैं, तो क्या यही वजह थी इससे एक जो इमोशनल कनेक्ट आप कर पाएंगे? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं बहुत ही इंटरेस्टेड थी जानने के लिए कि वूट किड्स पे क्या है ये चीज़। जैसे आपने कहा है ना, अभी छोटी है, अब तक पिछले 2 साल में हमने इतना डिजिटल कंटेंट, एक्चुअली डिजिटल कंटेंट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। शी इज़ नॉट हैड मच स्क्रीन टाइम अपार्ट फ्रॉम सीइंग अपने खुद के वीडियोस। जैसे हम जब हॉलीडे पे गए थे तो वी टुक लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑफ हर रनिंग इन द पार्क लंदन में, तो वो हमेशा मुझसे पूछती है, मम्मा मुझे वो वीडियो दिखाओ, जहाँ पे वो अपने खुद की वीडियोज़ देखना चाहती है या जहाँ पे वो किसी को पहचानती है, सम फैमिली मेम्बर, सम कनेक्शन है स्टोरी के साथ, नॉट सम रैंडम इमेजेस या कुछ नर्सरी राइम्स, ऐसा कुछ, मतलब दो मिनट देखा है अब तक, बट शी इज़ नेवर रियली सैट डाउन एंड वॉच्ड समथिंग लाइक पेपा पिग का कुछ एपिसोड या एक नर्सरी राइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और मैं एक्साइटेड हूँ कि अभी आई थिंक ये सही मौका है टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स टू हर, जहाँ पे मुझे लगता है कि गिल्ट नहीं होगा, वो कुछ सीखेगी, एंटरटेन भी होगी। और काफ़ी टाइम पे ऐसे होता है जहाँ पे कुणाल या मैं दोनों घर पे नहीं है, काम पे गए हैं, एंड आई डोंट नो कि वो घर पे कितना, मतलब इंगेज्ड है, क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है, किताब पढ़ रही है, ऐसे झूले में खेल रही है, क्या कर रही है। इट माइट बी गुड फॉर हर, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट फॉर 10 मिनट्स टू वॉच समथिंग विच विल इंगेज हर, एंटरटेन हर एंड ऑल्सो टीच हर समथिंग। सो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, या कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे आप बेटी को चाहती हैं कि वो दूर रहें, अवॉइड करती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आर चिल्ड्रन, यू नो, जैसे नंबर वन कम्स टू वायरसेस और हेल्थ के इश्यूज़, तो हम अपने बच्चों को घर पे रहते हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि इम्यूनिटी भी बढ़ाना ज़रूरी है, स्कूल जाएंगे, बाकी बच्चों के साथ खाना शेयर करेंगे, कोल्ड्स होंगे, कॉफ्स होंगे, लेकिन ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है। सो द आइडिया इज़ नॉट कि हम बच्चे को दूर रखें स्क्रीन से, क्योंकि दीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक फॉलिंग सिक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। द स्क्रीन इज़ नॉट बैड, डिजिटल कॉन्टेंट इज़ नॉट बैड, हमें जिम्मेदारी लेनी है कि हम अपने बच्चे को कितना दिखाएं, क्या दिखाएं, कैसे दिखाएं, और उनको सिखाएं कि इसको अच्छे से जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है, दैट्स आवर जॉब। जब अपना टाइम याद करती हैं और आज का टाइम याद करती हैं, डिजिटल का ये दौर याद करती हैं, मतलब देखती हैं अपने सामने, तो किस तरह कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, कितना बदला हुआ देखती हैं? मैं तो पास्ट के बारे में कम सोचती हूँ, फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ कि जब इनाया के बच्चे होंगे तो लाइफ कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ इज़ चेंजिंग सो फास्ट और कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी एडवांसमेंट्स हो रही है, गुड एंड बैड, बिकॉज आई फील दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द वर्स्ट, वी आर द वंस हु फाइंड द वर्स्ट इन एवरीथिंग, द इन्वेंशंस आर गुड बट वी फाइंड द वर्स्ट रीजन टू यूज़ दैम। सो आई वंडर अबाउट द फ्यूचर एंड व्हाट दैट विल होल्ड। इन द पास्ट मुझे पता है कि हमारे घर पर एक लैंडलाइन था, सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे, कोई कम्युनिकेशन का, मतलब लेटर्स मैं लिखती थी, व्हेन माय मदर वेंट टू शूट आई यूज़ टू राइट अ लेटर, एंड देन हम इंतज़ार करते थे, लेटर को पहुंचना था, देन शी वुड राइट, फिर आता था, इसमें 2 हफ्ते लगते थे, देन द फर्स्ट कंप्यूटर केम और वो डायल अप और वो कनेक्शन और वो सब होता था, एंड नाउ एट द लाइक इन आई टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि उसको दादू के साथ बात करना है, बड़ी अम्मा के साथ बात करना है, हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो एट द टच ऑफ अ बटन शी कैन सी देयर फेस, शी कैन टॉक टू देम, शी कैन कट द कॉल, सब आता है। So it's amazing for free that you can communicate, security, CCTV cameras, ताकि आप tension बिना काम कर सकते हैं और आपको पता है कि आपकी बच्ची घर पर safe है, वो सब चीज़ें, and then education and entertainment also. So I think technology is fantastic. So इसके साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, फिल्मी पर्दे पर काफ़ी कम नज़र आती हैं, क्या वजह है कि बेटी की वजह से, मतलब बच्चे को ज़्यादा टाइम देती हैं? इस वजह से एक एक्सक्यूज़ है, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली में देखूँ तो मेरी माँ है जिसने इतना काम किया है बच्चे को पैदा करने के बाद, और 3 बच्चे, एक नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ है जो काम करती है बड़े पर्दे पर, तो ये मेरी खुद की पर्सनैलिटी है और मेरी खुद की डिसीजन थी कि मैं 2 साल इनाया को, सबसे पहले मैंने कहा था 1 साल फिर 2 साल कि मैं इनाया को वो टाइम देना चाहती थी, एंड आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम हर, बिकॉज आई फील के जो इन्फ्लुएंसेस है वो सब अब्जॉर्ब कर रही है, और ऑफकोर्स मुझे फील होता है कि मैं सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंस हूँ इनाया पर, बट स्लोली स्लोली मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अभी स्कूल जा रही है और भी लोग उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू स्टेप अवे। मैं भी चाहती हूँ कि शी अंडरस्टैंड्स दैट हर मदर गोज़ टू वर्क, और वर्क का मतलब क्या है, सो आई फील एंड ऑफ जनवरी इफ ऑल गोज़ वेल देन आई विल एक्ट इन अ वेब शो, लेकिन आई वॉन्ट टू टेक हर विथ मी, इट विल टेक 30-40 डेज एंड आई
can't live without her for that long. हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सोहा का जो प्रोडक्शन हाउस है, सोहा कुणाल का जो प्रोडक्शन हाउस है, उसकी फिल्म कब रिलीज़ होगी, कब फ्लोर पे जाएगी, किस तरह की फिल्में आप बनाएंगे? जी, वो एक तो है राम जेठमलानी की बायोपिक जो है, जो बन रही है. मुझे पता है कि बहुत टाइम लगा है. हमारे पार्टनर है रॉनी स्क्रूवाला, स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं. बट ऑल आई कैन से इज़ इट इज़ a project, it'll be our first project as a production house, Renegade Films, or I think that we found someone who is just a man, a remarkable man who passed away recently in Ram Jethmalani, who lived 96 years, has such a story to tell. We're struggling with telling that story in 2 hours in a feature film, but we're getting there. मतलब आपके प्रोडक्शन हाउस की अगर हम बात करें तो मतलब सोहा है, कुणाल है, सैफ है, करीना, बहुत सारे स्टार्स आप ही के घर में, तो और भी जब प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों पे काम होगा तो परिवार के लोगों को कास्ट करेंगे? आपने शायद देखा होगा कि हमारी परिवार ऐसे है जो अपने अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे के काम में इतना शामिल नहीं होते हैं. एंड आई थिंक दैट वर्क्स वेल फॉर अस. ऐसा नहीं है क्योंकि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं तो हम उनका फ़ायदा उठाएं या अज्यूम करें कि ये हमारे फिल्म में होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. सो मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप खुल करके बात करती हैं. हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं, जब उनके पास शोहरत होती है तब उनको हर कोई काम देता है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी एक्टर्स हैं जो कि आज बहुत गरीबी में जी रहे हैं. जैसे पूजा डलवाल की हम बात कर रहे हैं, जो सलमान के साथ थी, लेकिन आज वो मतलब उनको काम भी नहीं मिल रहा है, पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में एक्चुअली बहुत सारे एक्टर्स, बट देयर मस्ट बी लॉट्स ऑफ पीपल. ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे, जैसे हर कोई प्रोफेशन, आप या तो कामयाब होंगे या तो नहीं होंगे, और आपका सक्सेस या फेलियर ऊपर जाता है हर फ्राइडे. तो इसमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. दिल टूट जाते हैं, बैंक बैलेंसेस टूट जाते हैं. एंड आई ऑलवेज फील लाइक इन लाइफ यू मस्ट सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, गुड एनर्जी, फ्रेंड्स, एंड हैव अ प्लान बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैव अ प्लान बी. और मेरे लिए हमेशा एजुकेशन वॉज अ प्लान बी. मुझे पता था दिस इज़ माई थर्ड प्रोफेशन आफ्टर बैंकिंग, वर्किंग एट फोर्ड फाउंडेशन. इफ दिस डजन वर्क आउट देन देर समथिंग एल्स आई कैन डू, बिकॉज आई हैव द स्किल्स टू डू दैट थ्रू अ गुड एजुकेशन. So my advice to young aspiring actors is complete your education first. Give this 100%. And if it doesn't work out, your career is a part of your life. It is not your whole life. Do not give up your life for something like this. And lean on your friends and family. And hopefully you have good friends and family who will help you through this.